दोस्तों, ईयर एंड सेल, न्यू ईयर सेल और टीवी डे सेल आने वाली है, और अगर आप इन सेल्स में अपने लिए एक बेस्ट टीवी परचेस करना चाहते हैं तो मैंने आपके लिए आज इस वीडियो में 40 से 45 हजार के अंदर आने वाले बेस्ट 55 इंच स्क्रीन साइज वाले टॉप 5 स्मार्ट टीवीज लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं बाकी चैनल्स की तरह इन टीवीज की पूरी कॉन्फ़िगरेशन बताकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और इस वीडियो को शॉर्ट और पॉइंट टू पॉइंट रखूंगा। लेकिन अगर आप फुल स्पेसिफिकेशन डिटेल्स देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में आपको हर टीवी पर डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसे जरूर देखें। साथ ही मैं आपको इन टॉप 5 टीवीज का सेल्स के दौरान अब तक का बेस्ट प्राइस क्या था और आपको आने वाली सेल्स में इन टीवीज को किस प्राइस पर सेल के दौरान खरीदना चाहिए ये भी बताने वाला हूँ। तो चलिए फिर देर किस बात की, आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैंने इन टीवीज की रैंकिंग उनके पिक्चर क्वालिटी और बाकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पर की है, और अगर आपको 55 इंच से कम स्क्रीन साइज वाला टीवी चाहिए तो आप इन्हीं टीवीज के लोअर स्क्रीन साइज वेरिएंट्स के साथ जा सकते हैं, क्योंकि सारी डिटेल्स लगभग सेम ही रहने वाली है। और आपकी आसानी के लिए मैं इन टीवीज की सारी टेक्निकल कॉन्फ़िगरेशन यहाँ साइड बाय साइड कंपेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, पांचवें नंबर पर आते हैं मोटोरोला रेवो टीवीज, जिसकी पिक्चर क्वालिटी अबव एवरेज है, साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है और काफी ज्यादा भी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आपको एक कंपैरेटिवली ओल्डर सीपीयू का सपोर्ट मिलेगा और मैक्सिमम ब्राइटनेस भी यहाँ पर 350 निट्स की ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको पिक्चर क्वालिटी हल्की सी डल दिखाई देगी और साथ ही कलर रिप्रोडक्शन भी यहाँ पर एवरेज ही देखने को मिलेगा, अलोंग विद सम एवरेज कॉन्ट्रास्ट रेशियो। और ये टीवी अभी आपको मिलेगा 41,999 रुपीज में, लेकिन सेल्स के दौरान ये टीवी आपको 39,999 रुपीज में भी मिल सकता है, विच इज इंक्लूडिंग कैशबैक ऑफर्स। अब दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं कल ही लॉन्च हुए हाइसेंस टोर्नाडो टीवीज, या फिर कहें हाइसेंस A73F टीवीज। दोस्तों, ये टीवी में वैसे तो तारीफ करने के लिए काफी कुछ दिया गया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी पिक्चर एनहांसिंग टेक्नोलॉजीज का सपोर्ट दिया गया है, लेकिन ये टीवीज अबव एवरेज पिक्चर क्वालिटी ही डिलीवर करते हैं। लेकिन साउंड के मामले में ये टीवी सबसे आगे हैं, इनफैक्ट ये लिस्ट के सारे टीवीज को यहाँ पर पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस टीवी में भी आपको सिर्फ 350 निट्स तक की मैक्सिमम ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी कंपैरेटिवली डल देखने को मिलती है। और ये टीवीज आपको मिलेगा 44,990 रुपीज में, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा ओवर प्राइस्ड है, और इस टीवी का मेरे अकॉर्डिंग सही दाम होगा 40,000 के आसपास। लेकिन दोस्तों, अब देखना ये होगा कि कौन सी सेल में इस टीवी के प्राइसेस को कम किया जाता है। अब दोस्तों, तीसरे नंबर पर आते हैं न्यूली लॉन्च्ड मोटोरोला ZX Pro टीवीज, जो कि एक बेहतरीन LG मैन्युफैक्चर्ड IPS D-LED पैनल के साथ आते हैं, जो कि एक काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करता है, अलोंग विद सम ग्रेट व्यूइंग एंगल्स। साथ ही यहाँ पर ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है और कलर रिप्रोडक्शन भी मुझे यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिला। और 2GB रैम, 32GB स्टोरेज और एक अच्छे खासे साउंड सिस्टम के साथ ये टीवी एक बैलेंस चॉइस बन जाता है, जिसकी वजह से मैंने इसे थर्ड रैंक दिया है। और ये टीवीज काफी अच्छे प्राइस पर भी आपको मिलेंगे, विच इज अराउंड 39,999, और अंदाजा यही है कि आने वाली सेल्स के दौरान आपको ये टीवीज 37,999 रुपीज में भी मिल सकते हैं। अब दोस्तों, पहले और दूसरे रैंक के लिए काफी कंफ्यूजन है और आप में से काफी सारे व्यूअर शायद मुझसे एग्री ना करें, तो इसीलिए मैं इन दोनों टीवीज को एक ही रैंक दूंगा। तो अब चॉइस आपकी है कि आप किसे बेहतर मानेंगे। तो दूसरे रैंक पर आते हैं नोकिया 2020 एडिशन टीवीज, जो कि एक बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी के साथ आते हैं, जिसे बीट करना इस सेगमेंट के किसी भी टीवी के लिए पॉसिबल नहीं है। आप इस सेगमेंट के चाहे किसी भी टीवी को नोकिया टीवीज के साइड में रख दें, आपको नोकिया टीवीज की पिक्चर क्वालिटी हमेशा बेटर और ब्राइटर देखने को मिलेगी, क्योंकि ये टीवीज आते हैं 420 निट्स की मैक्सिमम ब्राइटनेस के साथ, अलोंग विद सम ग्रेट कॉन्ट्रास्ट रेशियो, विच इज अराउंड 5,000:1, और साथ ही यहाँ पर साउंड क्वालिटी भी काफी अच्छी मिलती है, बिकॉज द ऑडियो सिस्टम इज डिजाइंड बाय ऑनक्यो, विच डिलीवर्स अ 6D साउंड। और ये टीवीज अभी आपको मिलेंगे 42,999 रुपीज में, लेकिन सेल्स के दौरान ये टीवीज आपको 40,000 के आसपास मिल सकते हैं। लेकिन इन टीवीज का एक कॉन है इन टीवीज की कस्टमर सर्विस, जिसके रिव्यूज अभी तक काफी खराब आए हैं, लेकिन कंपनी इस पर काम कर रही है, तो उम्मीद यही है कि अगले साल हमें यहाँ पर थोड़ी सी बेटर कस्टमर सर्विस देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, नंबर वन पर आते हैं तोशिबा U5050 टीवीज, जो कि काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी डिलीवर करते हैं, खासकर यहाँ पर हर सीन की पिक्चर क्वालिटी के डिटेल्स काफी बेटर है, क्योंकि यहाँ पर दिया गया पैनल कलर रिप्रोडक्शन इस सेगमेंट में सबसे बेस्ट डिलीवर करता है। इनफैक्ट अगर आप इन टीवीज को नोकिया टीवीज से भी कंपेयर करें तो यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी हल्की सी डल जरूर दिखेगी, लेकिन कलर रिप्रोडक्शन
और डिटेलिंग यहाँ पर नोकिया टीवी से भी बेटर देखने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन टीवीज में आपको वीडा ओएस मिलने वाला है, स्टोरेज थोड़ी सी कम मिलेगी और साउंड सिस्टम भी 30 वाट्स तक का ही मिलने वाला है। तो ये टीवीज प्योरली पिक्चर क्वालिटी के बेसिस पर नंबर 1 पर आते हैं और साथ ही इन सारे टीवीज में सबसे बेस्ट कस्टमर सर्विस आपको तोशिबा की ओर से देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप एक ओवरऑल बेस्ट टीवी परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपको काफी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन, बेस्ट पिक्चर क्वालिटी और अच्छा साउंड मिले तो फिर आप नोकिया टीवीज के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में मिल गए होंगे। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो कमेंट्स में जरूर पूछिए और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इसी तरह के लेटेस्ट ज्ञान के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।